लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के केस, देश भर में 1,31,868 लोग कोरोना संक्रमित, अब तक 3,867 लोगों ने गंवाई कोरोना से जान। महाराष्ट्र में कोरोना के मामले 47,000 के पार। ईरान को पीछे छोड़ भारत दुनिया में 10वां और एशिया का दूसरा सबसे संक्रमित देश बनने के करीब। 5 दिन से रोज आंकड़ा 5,000 के पार। दुनिया में यूरोप पहला, उत्तर अमेरिका दूसरा और एशिया तीसरा सबसे ज्यादा प्रभावित महाद्वीप। 25 मई से शुरू हो रही है देश में घरेलू उड़ानें, यात्रियों को फॉलो करना होगा कोरोना प्रोटोकॉल। पहली फ्लाइट दिल्ली एयरपोर्ट से सोमवार को सुबह 4:30 बजे भरेगी उड़ान। महाराष्ट्र ने अब तक नहीं दी मंजूरी, पंजाब छत्तीसगढ़ समेत 9 राज्यों में यात्रियों को होना होगा क्वारंटीन। दिल्ली एनसीआर में गर्म हवा और लू का प्रकोप जारी, राजधानी दिल्ली में 40 डिग्री तक पहुंचा तापमान। दिल्ली में 24 से 27 मई के बीच बढ़ेगी गर्मी। अगले 10 दिन में 2600 श्रमिक ट्रेनों में सफर करेंगे 36 लाख यात्री। 1 जून से 200 ट्रेनों में आरएसी में भी होगा सफर। अब तक चलाए गए श्रमिक ट्रेनों में यूपी के लिए 49% और बिहार के लिए चली 31% ट्रेनें। बीजेपी का राहुल गांधी पर निशाना, राहुल ने प्रवासी मजदूरों का वीडियो किया जारी। बीजेपी ने कहा वो श्रमिकों के कष्ट पर कर रहे हैं राजनीति। दिल्ली सरकार के विज्ञापन में सिक्किम को अलग देश बताया, विज्ञापन मुद्दे पर सिक्किम के सीएम ने किया ट्वीट। केजरीवाल ने जिम्मेदार अफसर को किया सस्पेंड, विज्ञापन में सिक्किम को बताया गया था नेपाल और भूटान की तरह पड़ोसी देश। महाराष्ट्र गवर्नर कोश्यारी से मिले शिवसेना नेता संजय राउत, राउत ने कहा राज्यपाल और सीएम के बीच नहीं था कोई टकराव, राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच पिता पुत्र जैसे संबंध। मध्य प्रदेश में भाजपा में शामिल हुए कांग्रेस कार्यकर्ता, राज्य कार्यालय में सांची विधानसभा क्षेत्र के 200 कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पार्टी में किया गया शामिल। सीएम शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां, एमपी में अब तक 281 लोगों की हो चुकी है मौत। उत्तर प्रदेश के शॉपिंग मॉल्स में भी बिकेंगी शराब और बियर, योगी सरकार ने लिया बड़ा फैसला। लॉकडाउन के बीच राज्य के मॉल्स खोलने की तैयारी में योगी सरकार। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए फेसबुक का बड़ा फैसला, मार्क जुकरबर्ग ने वर्क फ्रॉम होम पॉलिसी का किया समर्थन। अगले 5 से 10 सालों तक 50% कर्मचारी घर से करेंगे काम। लद्दाख सीमा पर तनाव, चीन ने पिछले हफ्ते भारतीय सैनिकों को बनाया था बंदी। पिछले एक हफ्ते में दोनों देशों की सेनाओं के स्थानीय कमांडरों ने की 5 बैठकें। दुनिया भर में कोरोना वायरस से संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा 54 लाख के पार, 3,43,000 से ज्यादा लोगों ने गंवाई जान। सबसे ज्यादा अमेरिका में है कोरोना संक्रमित। H-1B वीजा से भारतीयों को दूर करने की कोशिश, अमेरिकी संसद के दोनों सदनों में बिल पेश। यूएस में पढ़े विदेशी कामगारों को तरजीह देने का प्रस्ताव। क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत MSME को 12,000 करोड़ का लोन देगा बैंक ऑफ बड़ौदा। MSME को 3,00,000 करोड़ रुपए का लोन अपनी गारंटी पर उपलब्ध कराएगी सरकार। केंद्र सरकार ने 21,00,000 करोड़ के प्रोत्साहन पैकेज में घोषित की है क्रेडिट गारंटी स्कीम। आयकर विभाग ने 16,84,000 टैक्सपेयर्स को जारी किया टैक्स रिफंड। लॉकडाउन के चलते वित्त मंत्री ने IT डिपार्टमेंट को रिफंड जारी करने का दिया था आदेश। 17 मई से 21 मई के दौरान 1,22,764 टैक्सपेयर्स को 2,672.97 करोड़ रुपए का रिफंड किया गया जारी। कोरोना का टेनिस पर असर, फिर आगे बढ़ सकती है फ्रेंच ओपन की तारीख। US ओपन में केवी टलने की संभावना, दोनों टूर्नामेंट में टकराव संभव। IPL कैंसिल हुआ तो 9 देश के 188 खिलाड़ियों को होगा 612 करोड़ रुपए का नुकसान। भारत के 124 खिलाड़ियों को 358 करोड़ का नुकसान। ऑस्ट्रेलिया के 17 खिलाड़ियों को 87 करोड़ रुपए का होगा नुकसान। आर्टिस्ट ने ऋतिक रोशन के कई किरदारों से बनाया स्पेशल स्केच आर्ट, आर्टिस्ट को शुक्रिया कहते हुए बोले ऋतिक बहुत अच्छे। कहने को हमसफर है कि तीसरे सीजन का ट्रेलर हुआ रिलीज, रिश्तों के ताने बाने में उलझी दिखी कहानी। ऑल्ट बालाजी और Z5 फ्रेंचाइजी का है शो।